नमस्कार दोस्तों क्रिएटिव हिमाचल में आपका स्वागत है बात करेंगे अभी अभी की बड़ी खबरों की लेकिन उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सेवारत एसएमसी शिक्षकों के मानदेय में एक हजार रुपये की बढ़ोतरी की गई है एक अप्रैल दो से जो है बड़ा हुआ मानदेय मिलेगा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की बजट घोषणा की शिक्षा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है उसके बाद बात करते हैं अग्निवीर योजना के तहत जो है सेना में अग्निवीरों की भर्ती के फैसले के खिलाफ जो है गुरुवार को हिमाचल प्रदेश में जमकर बवाल हुआ कई जगह पर युवाओं ने नेशनल हाईवे और अन्य मार्गों पर जो है चक्का जाम किया गुस्साए युवाओं ने कांगड़ा में पुलिस कर्मियों को ही पीट दिया कांगड़ा के गग्गल कोटला हमीरपुर और धर्मशाला में दो लोगों को जो है हिरासत में लिया गया है सेना भर्ती नियमों में संशोधन से गुस्साए युवकों ने सड़कों पर उतर अपना विरोध जो है दर्ज किया उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग में पैरा वर्करों के चार हजार पदों पर भर्ती होगी इनकी तैनाती जो है नई पेयजल परियोजना में की जाएगी राज्य के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार से जल जीवन मिशन के लिए पैंतालीस सौ करोड़ रुपए की जो है राशि स्वीकृत की गई है इसके साथ ही जल जीवन मिशन के दूसरे चरण में पेयजल परियोजनाओं को मजबूत किया जाना है इस काम को वर्ष दो तक जो है पूरा किए जाने का लक्ष्य है केंद्र सरकार के निर्देश पर बर्फ संरक्षण के लिए मंडी जोन में तीन करोड़ जो है अलग से खर्च किए जाएंगे उसके बाद बात करते हैं एन भर्ती के बारे में एन भर्ती काफ़ी लंबे समय से जो है यह भर्ती रुकी हुई है मिली जानकारी के अनुसार भर्ती का ड्राफ्ट जो है फिर से तैयार किया जा रहा है और जल्द यह भर्ती जो है शुरू की जाएगी जुलाई के महीने में आपको यह भर्ती देखने को मिलेगी इसके साथ ही मिली जानकारी के अनुसार दो साल का डिप्लोमा करने वाले एन धारकों को भी इस भर्ती में शामिल किया जा सकता है दोस्तों एन भर्ती से रिलेटेड कोई भी नई अपडेट आती है तो आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा इसके लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए